हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल पे भी। तो आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फाइनली आज हमारे भाई की शादी है। शादी की खुशी कितनी बड़ी खुशी होती है ये तो आप सब लोग जानते ही हो। तो बाहर ना डीजे बज रहा है और बैंड बाजा भी बज रहा है, तो सभी लोग तैयार भी हो रहे हैं, हम भी तैयार हो जाते हैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो मैं तैयार हो गई हूँ और साथ में अपने बेटी को भी तैयार कर दी हूँ। तो बाहर सभी लोग तैयार होके घूम रहे हैं, इधर उधर देखिए आप लोग भी। और इधर देखिए मैं मेरी फाइनल लुक दिखा रही हूँ, तो मैंने ग्रे कलर का लहंगा पहना है और गोल्ड ज्वेलरी भी साथ में पहनी हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना। और ये देखिए मेरी दीसू कितनी क्यूट दिख रही है, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मासूमियत से देख रही है, बहुत अच्छी लग रही है मेरी बिटिया। तो चलिए बाहर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मड़वे में। तो मड़वे में देखिए मेरा भाई भी नहा के आ गया है और बारात जाने के लिए तैयार होने जा रहा है। तैयार कर रही हैं हमारी बुआ। और हमारे घर में जब भी हमारे भाइयों की शादी पड़ती है ना, तो हमारी बुआ ही तो लोकी रेडी करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा भाई पहनने वाला है शेरवानी। शेरवानी है क्रीम कलर की। तो पीछे देखिए सभी लोग डांस कर रही हैं, बहुत ही खुश हैं सब लोग। उधर देखिए डीजे बज रहा है, बैंड बाजा भी बज रहा है, इधर सब खुशी से झूम रहे हैं। डांसर भी आया है, डांस कर रहा है। तो इधर सब लोग तैयार कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा भाई भी 7 जन्मों के बंधन में बंधने वाला है और 7 कस्में खाने वाला है। 7 जन्म साथ निभाने के लिए कस्में खाने वाला है। तो हमारे घर में जितनी भी भाइयों की शादी हुई, सब लोग अपने अपने बीवियों को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, मान सम्मान देते हैं। और हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी होती है, कम से कम किसी की बहन बेटी को सताते नहीं हैं, रुलाते नहीं हैं। और जीवन में हर लड़की की ये हक है कि उसके पति उसे इज्जत दें, प्रेम करें, प्यार करें और मान सम्मान दिलवाएँ, बाहर से भी घर में भी। तो फ्रेंड्स, एक बार सास ससुर भले ही ना प्यार करें, ना मान सम्मान दे, लेकिन पति अगर मान सम्मान देता है, सपोर्ट करता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, बहुत अच्छा लगने लगता है और ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। और अगर पति भी उसी तरह का मिल जाए, सताने वाला, मारने पीटने वाला, तो ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन जाता है, एक एक दिन बिताना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए भगवान सभी लड़कियों को अच्छा पति दे, अच्छा घर संसार दे, यही मेरी प्रार्थना है। और मेरी बेटी भी है एक छोटी, उसके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को भी एक अच्छा पति मिले, जो दुनिया की हर सुख हर खुशी दे, भले ही 2 टाइम में 1 टाइम खाना दे, लेकिन प्यार और मान सम्मान की कभी कमी ना करे मेरी बेटी को। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, ये मामी हैं। मामी आम की पल्लू ली हैं और उसे ना, जो मेरा भाई है उसके मुँह में उसकी जो ढेपियाँ होती हैं उसे कुतर रहा है। और अभी कुतर के उसके मम्मी के हाथ पे वो थूकेगा, तो फिर उसकी मम्मी उसे खा जाएंगी। देखिए थूक रहा है, अभी वो घुट जाएंगी। और ये पानी है, पानी पी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गांव में एक रस्म होता है इमली घुटाने का, जो मामा मामी घुटाते हैं। तो ये देखिए मैं हूँ, ये मेरा भाई है, सबसे छोटा भाई है। और ये मैं, मेरी दीदी है, मेरी छोटी बहन, मेरी दीदी की लड़कियाँ हैं, मेरे मतलब पूरे बहन है, पूरे खानदान है। और इधर सब मेहमान लोग हैं। तो फ्रेंड्स, दूल्हा तैयार हो गया है और जा रहा है गांव वाले घर पे। हमारे गांव पे, हमारे घर में देवी देवता हैं और गांव में काली जी की स्थान है। जब शादी ब्याह होता है तो सब लोग अपने देवी देवता के सामने मत्था टेकते हैं और काली जी के स्थान पे भी जाके मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो उसके बाद ही कहीं बारात जाती है। तो अब जा रहे हैं गाँव वाले घर पर सब लोग, उसके बाद वहाँ से लौट के आएँगे, फिर बारात जाएगी। और इधर देखिए साथ में और कुछ औरतें भी जा रही हैं, बाजा भी जाएगा। और वहाँ काली जी के स्थान पे राज घूमेगा, राज घूमने के बाद ही वहाँ पे से आएंगे गांव में से, फिर यहाँ से सब लोग जाएंगे बारात विदा करने। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, दूल्हा गांव पर से आ गया है मत्था टेक के। और यहाँ देखिए सभी लोग डांस कर रही हैं मस्त झूम के। चलिए हम लोग भी डांस देखते हैं।
फ्रेंड्स, अभी अंधेरा हो चुका है और अब बारात घर से निकल रही है, तो चलिए हम लोग भी चल रहे हैं पीछे पीछे विदा करने। थोड़े दूर तक हम लोग भी जाएंगे और ये है हमारे दूल्हे भाई का गाड़ी है जो सजी हुई है फूलों से। बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी, बहुत सुंदर सजाया है। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों ने कमर तोड़ डांस किया है और अभी रात हो चुका है ज़्यादा और बारात निकल रही है, तो हम लोग भी घर की तरफ चल रहे हैं और दूल्हा भी गाड़ी में बैठ गया है और अपनी मंजिल की तरफ निकल रहा है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी सभी लोग डांस करके थके हारे हुए हैं, तो पैर धुल रही हैं ठंडे ठंडे पानी से, जिससे थकान थोड़े कम होंगे, दर्द भी थोड़े से कम हो जाएंगे पैरों की। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग भी बारात जाएंगे और अभी थोड़े से आराम करेंगे। आराम करने के बाद हम लोग जाएंगे बारात में, तो वहाँ जाने के बाद हम लोग आप लोग दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए बारात में हमारे नई भाभी के यहाँ। यहाँ की ये डेकोरेशन है जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं और खाना भी बहुत बढ़िया बढ़िया बनवाए हैं। तो फ्रेंड्स, बारात में पहुँचते पहुँचते एकदम दिमाग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे वो ड्राइवर बहुत ही घोचू था, रास्ता बताने के बावजूद वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा था। बहुत दिक्कतों के बाद हम लोग बारात में पहुँचे हैं और दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो इधर देखिए, सभी लोग खाने पर टूट पड़े आते ही, कोई टिकिया खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, चटपटा खा रहे हैं, अभी सब लोग खाना नहीं खा रहे हैं। तो इधर देखिए स्टेज है जहाँ पे वरमाला पड़ने वाला है, बहुत सुंदर स्टेज सजाया है। सब जा रहा है वरमाला होने और भाभी घर से आ रही हैं स्टेज पे, उनका भाई डांस कर रहा है, बहुत बढ़िया डांस कर रहा है, तो देख लेते हैं डांस। तो फ्रेंड्स, वरमाला होने जा रहा है, तो देखिए सब दोनों ने पहना दिया एक दूसरे को वरमाला। और ये ज़िंदगी के बहुत खास पल होते हैं जो जीवन भर के लिए यादें बन के रह जाती हैं, बहुत खूबसूरत यादें होते हैं और जीवन में जो दोबारा नहीं आता है, ये पल बहुत खास पल होते हैं। ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।